नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज़, शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ राजस्थान सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है, तो इस वीडियो के तहत उस महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आखिर शिक्षा विभाग से जुड़ा राजस्थान सरकार की ओर से जो महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है आखिर क्या है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन है साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो शिक्षा विभाग से जुड़े इस आशीष एजुकेशन समाचार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, इस चैनल पर आप विभागीय आदेश, रिजल्ट्स, आंसर कीज, दैनिक समाचार और आगामी भर्तियों की घोषणा, ये सभी अपडेट बिल्कुल ऑथेंटिक और सबसे कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा साथियों, यदि आप हमारे चैनल के साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं तो इस चैनल पर शिक्षा विभाग से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट दी जाती है। इसके अलावा बीकानेर निदेशालय की ओर से जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं या आदेश जारी होते हैं उसकी अपडेट आपको रेगुलर मिल पाती है। चलिए जान लेते हैं इस वीडियो के तहत आखिर क्या आदेश जारी हुआ है। देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर राजस्थान सरकार की ओर से कार्यालय प्रमुख शासन सचिव उच्च व तकनीकी शिक्षा एवं आयोजन विभाग की ओर से, हालांकि ये 28 अगस्त को इस आदेश को जारी कर दिया गया था। क्या है इसके तहत? राजस्थान सेवा नियम 1951 खंड प्रथम के नियम 13 में विहित प्रावधान अनुसार जब तक किसी मामले में अन्यथा रूप से स्पष्ट प्रावधान नहीं किया जाए, एक राज्य कर्मचारी का संपूर्ण समय सरकार के निष्पादन पर रहेगा तथा नियम 86 में विहित प्रावधान अनुसार एक कर्मचारी बिना अवकाश अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके आवेदित अवकाश को स्वीकृत करने से पूर्व ही अपने पद तथा कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है तो उसे कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थित रहा माना जाएगा। ध्यान से सुन समझें इस महत्वपूर्ण अपडेट को, तथा नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी। आवश्यकता होने पर अधिकारी अथवा कर्मचारी को कार्यालय समय के अतिरिक्त समय पर और राजपत्रित अवकाश के दिन भी राजकार्य करने के लिए बुलाया जा सकता है। यह विदित है कि नियम 59 के अंतर्गत अवकाश अधिकार नहीं है। महत्वपूर्ण अपडेट जानते हैं पूरी, इसकी बने रहे वीडियो के अंत तक। राजस्थान सेवा नियम 1951 खंड द्वितीय के परिशिष्ट फर्स्ट के अनुभाग थर्ड आकस्मिक अवकाश में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार किसी राज्य कर्मचारी को आकस्मिक अवकाश का उपभोग करने से पूर्व अपवाद स्वरूप परिस्थितियों के अतिरिक्त ऐसे अवकाश की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होता है तथा राज्य के निर्णय के बिंदु संख्या 5 के अनुसार राज्य कर्मचारियों को अपना मुख्यालय बिना सक्षम पूर्व अनुमति के नहीं छोड़ना चाहिए। देख सकते हैं बहुत बड़ी अपडेट राजस्थान सरकार की ओर से अवकाश से संबंधित, लीव ऑर्डर से संबंधित। उक्त नियम 1951 खंड द्वितीय के परिशिष्ट फर्स्ट के अनुभाग थर्ड क के अनुसार लिपिक वर्गीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राजपत्रित अवकाशों में कार्यालय में उपस्थित होने पर नियमानुसार क्षतिपूर्ति अवकाश अनुज्ञेय हैं। जिन अधिकारी व अधीनस्थ कर्मचारियों को नियमानुसार क्षतिपूर्ति अवकाश अनुज्ञेय नहीं है उन्हें कार्यालय समय के अतिरिक्त समय पर और राजपत्रित अवकाश के दिन भी आवश्यकता होने पर राजकार्य हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है। जानते आगे और, अतः इस कार्यालय के समसंख्या पत्र दिनांक 27 अगस्त 2023 द्वारा प्रदत्त निर्देशों की निरंतरता में उक्त निर्देश समस्त अधिकारी अथवा कर्मचारियों को ध्यान में लावें ताकि राजकार्य में कोताही अथवा लापरवाही नहीं बरती जावे। उक्त निर्देशों की अवहेलना करने वाले अधिकारी अथवा कर्मचारियों के विरुद्ध CCA नियमों के अंतर्गत आवश्यक रूप से अनुशासनिक कार्रवाई की जावे। ये देख सकते हैं भवान सिंह जी देथा प्रमुख शासन सचिव राजस्थान सरकार की ओर से ये महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है, जो कि उच्च व तकनीकी शिक्षा और आयोजन विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण आदेश राजस्थान सरकार की ओर से, जो अवकाश या लीव ऑर्डर जिसको कह सकते हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आज की आपको इस वीडियो के तहत बताई गई। साथियों, जैसे ही कोई शिक्षा विभाग से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त होगी, वैसे आपको पता होगा आज का सभी सरकारी ऑफिस में जो है अवकाश होने के कारण ज़्यादा जो है अवकाश नहीं आ सके। ये भी पहले का जो है जारी किया हुआ 28 अगस्त का आदेश है जिसकी अपडेट आपको आज इस वीडियो के तहत दी गई है। जैसे ही कोई अन्य अपडेट प्राप्त होगी
या इस चैनल पर आप जो है रिजल्ट आंसर की दैनिक समाचार और रोजगार समाचार ये अपडेट भी आप रेगुलर प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के तहत यही अपडेट है। इसके अलावा साथियों शिक्षा विभाग से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दिया जाएगा, टेलीग्राम को आप ज्वाइन करें, हर प्रकार की अपडेट हमारे टेलीग्राम पर दी जाती है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि अन्य लोगों को भी अपडेट मिल सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।